हाय नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है डॉक्टर जाकिर नायक साहब के एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के ऊपर। हीटेड आर्ग्यूमेंट मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसका जो सब्जेक्ट लाइन है उसी में मेंशन किया हुआ था कि क्रिश्चियन लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के साथ में बदतमीजी की। बदतमीजी तो मतलब किसी के साथ कोई भी करे तो इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और इसमें क्या हुआ था, किस बात पे उनकी बहस हुई और क्या बदतमीजी की थी, हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में विल गेट टू नो। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था। Part of the lecture was not shooting in the air. MashaAllah, thank you very much. The whole aim was like why judging people by defining them on the terms of Islamic and what their purpose in life is only in terms of Islamic. You give me a better purpose of life. You give me a better purpose. I'm not trying to educate anyone. I want to be educated. I'm a student, sister. I love being educated. You may not like being educated. Wait, but you don't let people speak. Sorry? You don't let people speak. You just go on and on. I'm giving you a chance to speak, sister. Speak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और दुनिया भर से लाखों बल्कि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक की जहां कई खूबियां हैं उनमें से एक बड़ी खूबी ये है कि उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल और सब्र बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपने इज्तिमात में देखा होगा कि लोग डॉक्टर जाकिर नायक की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं। इसके अलावा लोग डॉक्टर जाकिर नायक के सामने खड़े होकर नबी करीम वसल्लम और दीन इस्लाम से मुतालिक इंतहाई सख्त सवालात भी कर देते हैं जिन्हें सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है, मगर डॉक्टर जाकिर नायक ऐसी सूरत हाल में भी सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। मगर एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक को इस हद तक गुस्सा दिला दिया था कि सवाल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नायक जब जवाब दे रहे थे तो उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने गुस्से में यह तक कह दिया था कि यह लड़की हमें सबक सिखाने आई है। और उसके बाद सूरत हाल क्या हो चुकी थी, कुछ झलकियां देखिए, फिर हम आपको इस पूरे वाक्य के हवाले से तफसील से बताते हैं। और उसके बाद वीडियो के आखिर में दोस्तों आपकी राय जानने के लिए हमारा एक अहम सवाल भी आपके लिए तैयार है। पहले देखिए कि इस लड़की ने बदतमीजी की सभी हदें किस तरह से पार कर दी। I'm telling my question. You are beating around the bush. I'm not beating around the bush. What is the purpose? That's because you're presuming that I will answer whatever you want me to answer. No, sister. I'll answer it in my way. So you're always beating around the bush. I've heard his answer. What is to be the judge? How many people will follow you? How many people follow me? I don't want followers. We'll come to know later on. So next time when you give a lecture. दोस्तों आपने देखा कि सूरतेहाल इस हद तक कशीदा हो गई थी, मगर हम इस वीडियो में आपको उर्दू जबान में तर्जुमे के साथ मुकम्मल तौर पर बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। और ये वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्टर जाकिर नायक से अकीदत और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता नज़र आएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे बड़े आलिम और बड़े मुबल्लिग का इतना सब्र तहम्मुल गैर मुतवक्के था। सवाल करने वाली लड़की ने कहा था कि मेरा नाम सबीना है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर वही इल्ज़ाम लगा रही हूं जो आप दूसरे लोगों पर लगाते हैं, यानी कि आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते तो आप ऐसे मौके पर ज़बरदस्ती अपने आप को दुरुस्त साबित कर देते हैं जबकि आप बात दुरुस्त नहीं कर रहे होते। बहुत से मौक़ों पर आप ऐसा करते हैं कि आपके दिल में जो आता है आप इस्लाम या दीगर मज़ाहिब से मुतालिक वो कह देते हैं, और किसी भी तरह से अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आप अपने आप को किसी न किसी हवाला देकर ख़ुद को ज़बरदस्ती ही ठीक साबित कर देते हैं जबकि आप दुरुस्त नहीं कह रहे होते। और उसकी वजह यह होती है कि आप स्टेज पर हैं और आपके पास ताकत है। दोस्तों चूंकि इस गुफ्तगू में आगे चलकर और यहां पर भी बुल्स आई लफ्ज आपने जरूर सुना होगा, इस लफ्ज को वीडियो के आने वाले हिस्से में डॉक्टर जाकिर नायक भी बार बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लिहाजा उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इस लफ्ज से क्या मुराद है। आपने अक्सर देखा होगा कि दीवार पर एक तख्त लगाकर उस पर तीर से निशाने मारे जाते हैं, इसे डार्ट गेम कहा जाता है। दोस्तों इस गेम को खेलते हुए तख्त के मरकज में एन वस्त यानी दरमियान में अगर तीर फेंक दिया जाए तो उससे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और इस अमल को बुल्स आय कहते हैं, यानी कि
तीर ठीक निशाने पर लगा हो। इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूं कि आप तीर गलत जगह पर मारते हैं और उसके बाद तख्त का मरकज उठाकर उस तीर के सामने ले जाते हैं और यूं कहते हैं कि आपका तीर ठीक निशाने पर लगा है। आपने आम अल्फाज में सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं हवा में तीर चलाना। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगभग यही इल्जाम लगाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मेरी बहन ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैं भी हवा में तीर चलाता हूँ। मेरी बहन मुझे ये बताओ कि कब मेरा तीर गलत निशाने पर लगा और कब मैंने जान बूझ कर बुलज़ाए को तीर के सामने कर दिया और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जोर जबरदस्ती की। मुझे बता दीजिए कि मैंने कहाँ पर ऐसा किया, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूंगा। After passing, what job you take? I don't know. I give example. Now you sister give me an example in my lecture. Which part of my lecture was shooting the arrow in the air and drawing a bullseye? If not, then I would tell you that you are shooting in the air and then drawing the bullseye. But you already said it. Sister, which part of my lecture? I give you a chance to reply. डॉक्टर जाकिर नाइक को दरअसल इस इल्ज़ाम पर बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपने अपने इस इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित ना किया तो फिर मैं आपको यहीं पर खड़े खड़े बताऊंगा कि आपने कब हवा में तीर चलाया और फिर खुद ही उसको बुल्ज़ आई डिक्लेयर कर दिया, यानी अपनी बात को खुद ही खुद ठीक से कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि मुझे मिसाल दो कि मैंने कब ऐसा किया तो इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था और वो आएं बाएं शाएं करने लगी। इस मौके पर इसने कहा कि आप जिंदगी का मकसद लोगों को समझाने के लिए दीन इस्लाम से मिसालें देते हैं, जबकि आपका काम यहाँ पर यह होता है कि आपको सभी मजहब के लोगों को मुतमईन करना है, लिहाजा किसी एक मजहब से आप मिसालें नहीं दे सकते और आप जिंदगी का मकसद समझाने में नाकाम रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मौके पर इस हद तक गुस्सा आ गया था कि वो भी बहस बराए बहस करने पर उतर आए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मुझे आप समझा दें कि जिंदगी का मकसद क्या होता है, आप बता दीजिए। Finding them on the terms of Islamic and what their purpose in life is only in terms of Islamic. You give me a better purpose of life. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि ये लड़की बीच में बार बार बोले जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, आपको चाहिए कि जब आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि मैंने कब ऐसा किया, आप मुझे इसकी एक मिसाल दे दीजिए। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की का रवैया क्या था आपको दिखाते हैं। If you tell that I have done something, I agree with you. Prove me. But he keeps on speaking. Kul hatu bunane in kuntum sadiqin. Produce your proof if you are truthful. Part of my lecture. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा कि कुरान पाक कहता है कि अपनी बात को जब कुछ इल्जाम लगाओ तो सबूत के साथ साबित करो। अब आप साबित करें कि मैंने कब हवा में तीर चलाया। लेकिन चूंकि ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक की बात के बीच में बार बार बोल रही थी, लिहाजा इस इज्तमा की मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम की जानिब से इस लड़की का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था और उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा नजर आया। जब इस लड़की ने बोलने की कोशिश की और इस लड़की का माइक्रोफोन बंद था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका माइक खोल दीजिए, ये हमें सबक सिखाने आई है। Yes, please could you on the microphone of the sister? Yeah. She wants to educate us. I'm not trying to educate anyone. I want to be educated. I'm a student, sister. I love being educated. जो ही इस लड़की का माइक्रोफोन ऑन हुआ तो इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के उस जुमले का जवाब देने की कोशिश की और कहा कि मैं यहाँ पर किसी को सबक पढ़ाने या सिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर आपसे सवाल करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, मुझे कोई भी सिखा सकता है, आप भी मुझे सिखा सकती हैं। अब एक बार फिर से बात असल मुद्दे से हटकर कहीं और जा चुकी थी और इस लड़की ने एक और इल्जाम लगा दिया था कि आप तो दूसरों को बोलने ही नहीं देते। I love being educated. You may not let people speak. Sorry? You don't let people speak. You just go on and on. I'm giving you a chance to speak, sister. Speak. मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि चलें आपको बोलने का मौका देते हैं, आप बोलिए आपको क्या कहना है, सारी बहस एक तरफ रखते हैं। इस लड़की ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सब लोगों के ख्यालात बदलने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें इस्लाम की जानिब लाने की कोशिश करते हैं, मगर आप सब लोगों के ख्यालात को बदलने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर चलें जिस पर आप चाहते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है और वो उस फितरत को नहीं छोड़ सकता, तो आपने ये ठेका क्यों ले रखा है कि आप लोगों को मुसलसल तब्दील करने की कोशिश में लगे रहते हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मगर मैंने आपसे ये पूछा है कि जो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ, वो साबित करें, उसका जवाब आपके पास है या नहीं, आप तो बस इधर उधर की आए बाएं शाएं कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहने के लिए कि आप इधर उधर की बातें कर रही हैं अंग्रेजी जबान का मुहावरा इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि आप झाड़ी को पकड़कर उसके इर्द गिर्द घूमे जा रही हैं और आएं बाएं शाएं कर रही हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। मगर इस बात से ये लड़की और ज्यादा गुस्सा कर गई और उसने कहा, इस लड़की ने कहा था कि मैं आए बाएं शाएं नहीं कर रही और ना ही मैं झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही हूँ, मैं अपना सवाल कर रही हूँ। दरअसल आप मुझसे वो सुनना चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो बोलूँ, लेकिन मैं वो बोलूँगी जो मेरा जी चाहेगा, मैं आपके कहे हुए अल्फाज नहीं बोलूँगी। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं चाह रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ और बेमानी बेहवाला जात की बातें करता हूँ, तो आप वो साबित कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी वजह शोहरत यही है कि वो कुरान पाक, बाइबल, वेदा, दीगर मजाहिब की तमाम तर मजहबी किताबों से हवाला जात देकर बात करते हैं, यानी वो हवा में तीर नहीं चलाते। लिहाजा इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी पर ही इल्जाम लगा दिया था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गुस्से में थे। अभी ये बहस जारी थी कि ये लड़की गुस्से में एहतजाजन माइक्रोफोन के सामने से हट गई और वहाँ से ये इल्ज़ाम लगाती हुई चली गई कि ये तो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम अच्छे कलिमात पर किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार जब आएंगी तो हमारी कुछ ऐसी बहस नहीं होगी। दोस्तों ये पूरी वीडियो आपने उर्दू तर्जुमे के साथ देखी और समझी है। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कुरान पाक हो, बाइबल हो, वेदा हो या दुनिया की कोई भी मजहबी किताब हो, उन्होंने उसका मुतालिया करने के बाद उसके हवालाजात के साथ बात करते हैं और रेफरेंस देकर कुरान पाक का चैप्टर नंबर, आयत नंबर, सूरा का नाम सब कुछ बताकर बात करते हैं। इसके बावजूद इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह इल्ज़ाम लगाया है। आपका क्या ख्याल है, आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? मुझे सच में समझ नहीं आया कि व्हाई शी वाज हैविंग द आर्गुमेंट विद हिम, बिकॉज़ जो डॉक्टर जाकिर नाइक है बहुत ही पोलाइट है और बहुत ही अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बहुत ही डेप्थ नॉलेज है अबाउट कुरान ग्रंथ एंड वेद, बिकॉज अभी तक मैंने जो इनके पहले भी एक दो बयान देखे हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब विद एविडेंस प्रूव किया था कि जो भी वो बोल रहे हैं वो एक्चुअली बुक्स में लिखा है, जो भी हमारी होली बुक्स हैं, वेदर वो हिंदू रिलीजन की हैं, सिख रिलीजन से बिलोंग करती हैं या क्रिश्चियनिटी की हैं या वो कुरान हैं, तो एक्चुअली सब कुछ वो मतलब लॉजिकली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे बोल दिया और जाके एंड शिवा सेइंग कि आप लोगों को पुश कर रहे हो कि वो कन्वर्ट करें, तो मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ऐसे कुछ बोलते हैं, बिकॉज कभी उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है अपनी तरफ से। मीन्स अभी तक मैंने तो इनका कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है। होता है कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जिसमें कि यू नो पीपल दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, बट अननेसेसरली उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट करते रहना है और बट इसमें फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही उनके जो फेस पे रहता है ना वो एक्सप्रेशन जो गुस्से वाले होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तब कहते हैं कैसे कहा, बट वो बहुत ही काम बहुत ही पोलाइटली आंसर करते हैं। अच्छा बताइए, अभी भी जैसे उन्होंने बोला था कि ही वॉज एड्रेसिंग हर एज सिस्टर, तो सच में आई रियली अप्रिशिएट कि वो इतने पोलाइट हैं और इतने अच्छे से बोलते हैं, उनके साथ तो आर्ग्यूमेंट करना बेकार है बिकॉज उनको इतनी डेप्थ नॉलेज है। अभी तक जो इनके बयान देखे हैं तो मुझे उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखने मिली हैं, बिकॉज वो काफ़ी लॉजिकली और रैशनली बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में कर दिया। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।